को सबसे पहले हेलो या नमस्कार करेंगे, पहले पूरी बात सुनेंगे नहीं। हेलो नमस्कार करने के बाद आप आमने सामने वाले एक दूसरे की अच्छी आदत बताओगे, ठीक है। जब आपको कोई आपकी अच्छी आदत बताएगा तो आप क्या बोलोगे, थैंक यू, है ना। और वैसे ही फिर आप दूसरे वाले की अच्छी आदत बताओगे, मतलब एक दूसरे की अच्छी आदतों को बताओगे। और याद भी रखना, फिर मैं पूछूंगा भी कि किसकी अच्छी आदत क्या थी, ठीक है। तो चलो शुरू करो, हेलो नमस्कार करके अच्छी आदत बताओ। याद भी रखना, अच्छी आदत मैं पूछूंगा लास्ट में किसकी अच्छी आदत है। ठीक है, अब सभी शांत हो जाएंगे। अब अंदर वाले सर्कल में जितने भी हैं, अंदर वाले सर्कल में वो दाहिनी तरफ घूमेंगे, अपने राइट जाओ। जो अंदर वाले सर्कल में है अपने दाहिने से, अब तीसरे वाले पर सिच्चू के सामने जाओगे आप। हाँ अंदर, हाँ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तीसरे वाले पर चुके सामने जाके खड़े हो जाओ। सर आगे, आगे इंसान भाई आगे, आपने नहीं, बस हो गया, हो गया, बस हो गया। आप सबके सामने है, सब एक बार सुन लो, सबके सामने आप नया प्रशिक्षु है, मतलब नया बच्चा है ना। आपके सामने कौन है, मीनाक्षी में राहुल। तो फिर से आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस, हेलो बोल के अच्छी चलो ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया। अब मैं बताऊंगा, नितिन बताएंगे कि आप अपने सामने जितने भी दो थे उनकी एक एक अच्छी आदत बताई। पहले हाँ, यहाँ संतु भाई की बहुत बड़े, बहुत बड़े। और नितिन की अच्छी आदत आप बढ़िया बढ़िया। अब आप सब मेरे को ये बताइए कि हमें दूसरों की अच्छी आदत बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। बतानी चाहिए, और क्यों बतानी चाहिए। उसका हौसला बढ़े, बहुत सही, अब मैं बीच सर से पूछना चाहूंगा कि आपके बारे में क्या क्या अच्छी आदतें बताई बच्चे ने। ज्यादा बता ही नहीं पाए। सही बात, मैं बोलने वाला। अच्छा सबसे पहले सर के अगर बात करें तो सबसे पहले मेरा सवाल है, मैं तो केवल गवाही था, इन्होंने नहीं बताया, उसने वही बोला जो एक लाइन बोलने वाला है, इसमें भी वही लाइन बोली कि आप बहुत कर्तव्य निष्ठ हो गए, तो मेरे कंधे थोड़े। इनके बारे में जो मैंने बताया वो बताना है। हाँ बताइए। उसके बारे में मेरा देखना की ऑब्जर्वेशन सही है कि नहीं है। एक मैंने उसको पहला ही कहा कि वो हमेशा खुश रहता है। हाँ। दूसरा मैंने उसको ये बोला था कि वो हमेशा सच बोल देता है,
छुपाता या वो नहीं करता। तुम्हारे साथ क्या होगा पता नहीं, मेरे साथ नहीं किया, हमारे साथ में ऐसी करता ठीक। और तीसरा मैंने उसको ये बताया था कि वो बहुत डिसिप्लिन है, चाहे उसके कपड़ों से लेकर के या क्लास में आने से लेकर के, तो डिसिप्लिन है उसमें। और विद्या को मैंने बताया था कि विद्या सॉफ्ट स्पोकन है, कोशिश बहुत करती है किसी भी काम को, पता नहीं मेरा ऑब्जर्वेशन सही है गलत दोनों हो सकता है पर मुझे ऐसा लगा। और तीसरा भूल मिल जाती है शायद आसानी से लोगों को। तो इस गतिविधि से हम बच्चों में अच्छी आदतों का विकास और कर सकते हैं। मतलब अगर बच्चे को ये पता चलेगा कि मेरे में ये अच्छाइयाँ हैं, तो वो क्या करेगा, उन अच्छाइयों को और ज़्यादा करेगा। मतलब वो क्या होंगे, उसके व्यवहार में आ जाएंगे। तो इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य यही था। अब आप लोग अपनी अपनी लाइन में आ जाए।